नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव जीके फैकल्टी महाराणा प्रताप डिफेंस अकेडमी जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है भारत में भौतिक प्रदेश, भारत को कितने डिवीजनों में बांटा गया है। आज के टॉपिक में अपन विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे भारत में भौतिक प्रदेश। भारत में भौतिक प्रदेश कि भारत को कितने फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है, कितने फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है भारत को, आज यही चर्चा करेंगे। जिसमें अपन मानचित्र के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। महाराणा प्रताप डिफेंस अकेडमी जो आर्मी के बच्चों के लिए यूट्यूब पर जो वीडियो डाल रही है वो अधिक से अधिक शेयर करें और उनका जो वीडियो में डाल रहे हैं हम मैटर वो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके, जो आर्मी के लिए बहुत बेस्ट होगा। मानचित्र से अपन देख रहे हैं कि भारत का भौतिक प्रदेश किस तरीके से बांट रखा है। ये भारत का जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, मानचित्र ऐसा भी हो प्रैक्टिस करने से, तो कहने का मतलब इसमें आपको भौतिक प्रदेश देखने हैं कितने भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा है। तो भौतिक प्रदेश में भारत को मुख्यतः चार भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? चार भागों में बांट रखा है। चार भागों में जो आप उत्तर दिशा में देख रहे हो ये भाग, ये जो भाग है ये एक नंबर पर बताया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में जो ये इधर आप भाग देख रहे हो मरुस्थलीय भाग, ये मरुस्थलीय भाग अपन मैदानों के साथ ही पढ़ेंगे, मैदानों के साथ ही पढ़ेंगे। दो नंबर पे बताया है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। इसी के साथ अपन मरुस्थलीय भाग को पढ़ लेंगे, मरुस्थलीय भाग को जिसमें आपका थार का मरुस्थल है। उसके बाद में जो ये तटीय भाग है नीचे वाला और बीच में जो तीसरा भाग है वो है मध्यवर्ती पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश। उसके बाद में चार नंबर का जो पार्ट है वो है तटीय या द्वीपीय प्रदेश। द्वीपों का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का भी अपन इसमें द्वीपीय भाग का अपन अध्ययन कर लेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये भारत को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा है, एक है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दो नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान, तीन नंबर पे मध्यवर्ती पठारी प्रदेश और चार नंबर पर है तटीय या द्वीपीय प्रदेश। कुछ बुकों में या कुछ गाइडों में आपको पांच प्रकार के बता रखे होंगे कि जैसे चार नंबर पर तटीय प्रदेश और पांच नंबर पर द्वीपीय प्रदेश भी बता रखा होगा, लेकिन अपन चार भाग ही मुख्य रूप से पढ़ेंगे जिसमें तटीय भाग और द्वीपीय भाग को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। मुख्यतः चार भाग हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो आप ये भाग देख रहे हो इसमें आपका पूरा जो हिमालय वाला भाग है, ये हिमालय वाला भाग इसी क्षेत्र में आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में। उसके बाद में जो मध्य भारत है, मध्य भारत से और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बीच में जो मैदानी भाग है, जो भाग में नदियों के द्वारा बनाया गया है वो भाग है उत्तर का विशाल मैदान, और बीच में जो पठारी भाग है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण पठार है वो पठारी भाग, मध्यवर्ती पठारी भाग जो बहुत बड़ा भाग है,
और उसके बाद में जो तटों पर कुल नौ राज्य है उन नौ राज्यों के तटीय सीमा वाला भाग और उसके साथ साथ द्वीपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं एक नंबर पर उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश की। एक नंबर पर जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं कि ये भाग कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पर राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश प्रारंभ होता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तराखंड उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है जिसको इस उत्तरी भाग, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को चार भागों में बताया गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को चार भागों में बताया गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कौन कौन से चार भाग हैं वो अलग से देख लीजिए कि कौन से चार भागों को बताया है। वो आपके चार भाग, एक नंबर पर बताया आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दो नंबर पे बताया है आपका वर्द हिमालय, वर्द हिमालय। तीन नंबर पे आपका बताया है लघु हिमालय, लघु हिमालय। और चार नंबर पे बताया है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये चार भाग बताए हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के चार भाग ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन चार भागों को पढ़ने से पहले अपने को इन राज्यों का भी ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन कौन से राज्यों में ये पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। अब आगे देखो कि ये पर्वतीय प्रदेश में जो हिमालय है, इसी हिमालय जो आज हिमालय देख रहे हो, ये हिमालय देख रहे हो, इस हिमालय में और हिमालय का विस्तार कैसे हुआ था, ये हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उससे पहले यहाँ पर क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ये हिमालय, हिमालय की जगह पहले क्या था, टैथिस सागर था। टैथिस सागर, हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर से मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति, उत्पत्ति यहाँ पर टैथिस सागर था। अब धीरे 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 टैथिस सागर में तलछट जमा होता गया, तलछट जमा होता गया। अब इस टैथिस सागर के नीचे बताया जाता है, भूगोल वेताओं ने बताया है कि टैथिस सागर के नीचे एक प्लेट थी भारतीय प्लेट, प्लेट और एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो टैथिस सागर में तलछट जमा हुआ था, वो तलछट जमा धीरे 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 बहुत अधिक हो गया और यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट में आपस में क्या हुआ, खिसकाव हुआ। ये दोनों प्लेटें आपस में खिसकी और खिसकने से जो तलछट जमा हुआ था वो तलछट एक वलन के रूप में बाहर आया, वही आपका आज क्या है, हिमालय है। यही बताया विद्वानों ने कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के आपस में खिसकने से जो तलछट जमा था वो तलछट एक वलन के रूप में बाहर आया और वही आज आपका हिमालय है। इसी तरीके से बताया विद्वानों ने कि टैथिस सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। जहां आज हिमालय देख रहे हो आप, वहां पर पहले क्या था, टैथिस सागर था। आर्मी में पूछा जाता है कि हिमालय के स्थान पर पहले क्या था, तो आपका उत्तर हो जाएगा टैथिस सागर। ठीक है। उसके बाद में आपको पूछे कि जो हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये जो हिमालय है
इस हिमालय की लंबाई कितनी है? तो आपको साधारणतः पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की लंबाई, अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई 2500 किलोमीटर मानी जाती है, 2500 किलोमीटर मानी जाती है। उसके बाद में आपको पूछे साधारण भाषा में ही कि जो आप हिमालय देख रहे हो इस हिमालय की आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, तो आप बता देना कि हिमालय की आकृति तलवार के समान है। किसके समान है? तलवार के समान है हिमालय की आकृति। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछे कि जो ये 2500 किलोमीटर वाला हिमालय है उस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई आप बता देना, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है हिमालय की जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में आपको और क्वेश्चन पूछे कि जो ये आप हिमालय यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो इसको कितने भागों में बांटा है, तो आप बता देना 4 भागों में बांटा है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब आगे अपन चर्चा करते हैं ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की अपन चर्चा करते हैं जो सबसे प्राचीन हिमालय माना जाता है और जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वाधिक है। जो आप ये ऊपर वाला भाग देख रहे हो जम्मू कश्मीर वाला ये भाग है, इसी में ट्रांस हिमालय स्थित है, इसी में कुछ पर्वतमाला श्रेणियां हैं, इस तरीके से श्रेणियां, इन पर्वत श्रेणियों को कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। भारत में या हिमालय की बात है कि आप क्वेश्चन पूछे, साधारण क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, निम्न में से सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो आप बता देंगे कि सबसे प्राचीन हिमालय है वो है आपका ट्रांस हिमालय। इससे पहले और भी क्वेश्चन पूछ ले आपको, जैसे कि विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है बहुत बार, आर्मी में पूछता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला पूछे तो आपका उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो फिर सर ये क्या है, हिमालय कैसी पर्वतमाला है, तो आप बताओ कि हिमालय के बारे में कि हिमालय एक नवीनतम पर्वतमाला है, हिमालय नवीनतम वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, ठीक है। तो फिर ये प्राचीन क्या है, प्राचीन क्वेश्चन पूछेगा आपको निम्न में से, निम्न में से का मतलब होता है कि जो आपको उत्तर दे रखा है उनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो 4 हिमालयों का नाम दे रखा है आपको, जो मैंने अभी बताए थे आपको, ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उनमें से पूछ रहा है आपको कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछे आपको कि ट्रांस हिमालय का विस्तार कौन से राज्य में है, ट्रांस हिमालय का विस्तार कौन से राज्य में है, तो बता देना आप जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर आपको पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मी के लिए, स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा केटू गोडविन ऑस्टिन, केटू गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, केटू गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई। कौन से राज्य में स्थित है ये चोटी? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। केटू गोडविन ऑस्टिन चोटी का विस्तार पीओके क्षेत्र में भी है। कौन से क्षेत्र में? पीओके क्षेत्र में, इसलिए ये एकमात्र भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है लेकिन एकमात्र भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि भारत के साथ साथ ये पीओके क्षेत्र में भी है, इसलिए इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी तो माना जाएगा लेकिन इसको भारत की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी नहीं कहा जा सकता। इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है केटू गोडविन ऑस्टिन, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो इसमें साधारणतः आर्मी के लेवल पर एक दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछे कि निम्न में हिमालय में से सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा ट्रांस हिमालय। कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है तो बता देना कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये कराकोरम की दर्रा है, पीर पंजाल की दर्रा है, इनके आगे आप बात करेंगे दर्रा पढ़ेंगे जब। उसके बाद में विस्तार से इसका जम्मू कश्मीर राज्य में है। फिर पूछा आपको कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बता देना केटू गोडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला पूछे तो बता देना अरावली पर्वतमाला है। और भारत में सबसे नवीनतम या सबसे नवीनतम पर्वतमाला है तो बता देना वलित पर्वतमाला है। तो ये बताया गया ट्रांस हिमालय में। उसके बाद में ट्रांस हिमालय में और बताया है कि ट्रांस हिमालय में भारत का या विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थित है। ग्लेशियर स्थित है। ग्लेशियर किसे कहा जाता है? जो बर्फ का पहाड़ होता है उसे कहा जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर स्थित है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो पर्वत पूरे के पूरे ही बर्फ से जमे हुए होते हैं उनको ग्लेशियर कहा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद में ट्रांस हिमालय के बारे में आपको मुख्यतः यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसमें एक आप क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं कि पूछ लो मान लो कि ट्रांस हिमालय में या भारत की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। भारत में सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो आप बता देना राका कोसी, राका कोसी। भारत में सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है राका कोसी। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह आपका होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में साधारण साधारण चीजें हैं। आर्मी के लेवल पर केटू गोडविन ऑस्टिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी वालों के लिए। ठीक है, और सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय, अगर हिमालयों के बारे में पूछे तो। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद में अपने नोट करवाया था कौन सा दूसरा हिमालय था? वर्ध हिमालय। वर्ध हिमालय, तो वर्ध हिमालय के बारे में अपन बात करते हैं। जो सबसे बड़ा हिमालय है
वर्ध हिमालय सीरीज का नाम दिया गया है वर्ध हिमालय, वर्ध हिमालय जो सबसे बड़ा हिमालय है। इस तरीके से भारत, इस तरीके से ऊपर का आपका भारत का हिस्सा है ये, इसमें यहां से लेकर यहां तक जो फैला हुआ भाग है वर्ध हिमालय का, ये भाग है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक, अरुणाचल तक जो भाग फैला हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय फैला हुआ है वो वर्ध हिमालय। अब वर्ध हिमालय के बारे में बात करें कि आज जहाँ हिमालय देख रहे हो वहाँ पर पहले क्या था, अभी मैंने बता दिया था क्या था, पहले 33 सागर, 33 सागर था। इसकी आकृति पूछे तो आकृति कैसी है इसकी बता देना, आप सबको बता दिया था मैंने पहले, तलवार के सम्मान है। इसकी लंबाई पूछे यहाँ से यहाँ तक तो बता देना 2500 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन पूछे इसके बारे में कि इस जो हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल में चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर, 8848 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल देश में स्थित है। नेपाल देश में इस हिमालय को, नेपाल में इस हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कौन से देश में, नेपाल देश में जो आपका हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची चोटी वाला उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसी हिमालय को यहाँ पर तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, चोमो लुग्मा कहा जाता है, चोमो लुग्मा कहा जाता है तिब्बती भाषा में, हिमालय को चोमो लुग्मा कहा जाता है जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी तिब्बती भाषा में कहा गया है चोमो लुग्मा जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी, नेपाल में कहा गया है सागर माथा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बता देना आप कंचनजंगा। भारत की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई पूछे आपको तो बता देना 8598 मीटर ऊंची है, 8598 मीटर ऊंची है कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कौन से राज्य में, सिक्किम राज्य में, 8598 मीटर ऊंची है। तो अभी बता रहे थे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू बॉडी रोस्टिन, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी थी लेकिन उसका कुछ हिस्से का विस्तार यूके क्षेत्र में था, इसलिए वो भारत की तो थी लेकिन एकमात्र भारत की नहीं थी, एकमात्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। तो इसमें दो चोटियां आई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभार कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करने वाली चोटी का नाम, अरुणाचल प्रदेश ये यहाँ पर पूर्वी में और इसको तिब्बत ऊपर जो देश है, तिब्बत को अलग करने वाली चोटी,
उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नाम चबरवा, नाम चबरवा, नाम चबरवा। क्या नाम है? तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को जो अलग कर रही है उस चोटी का नाम है नाम चबरवा, नाम चबरवा। ठीक है जी, तो ये आपका वर्द हिमालय था। वर्द हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन पांच राज्यों में, इन पांच राज्यों में इस हिमालय का विस्तार है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर मानी गई है और जिसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी गई है, 6000 मीटर मानी गई है। इस हिमालय की उत्पत्ति कहां से मानी गई है? टैची सागर से। आकृति बताई गई है तलवार के सम्मान, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया गया है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बती भाषा में इसको चोमो लुंगमा कहा जाता है, तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करने वाली चोटी का नाम है नाम चबर। इस तरीके से आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से कि विश्व सबसे ऊंची चोटी, एकमात्र भारतीय सबसे ऊंची चोटी, इस तरीके के आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चोटी की ऊंचाई और कौन से राज्य में स्थित है ये इस तरीके से आपको याद करना है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और केटू गोल्ड यूनिवर्सिटी चोटी अपने पीछे पड़ी थी वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस तरीके से उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे जो तीसरा आपका हिमालय था वो हिमालय था आपका तीन नंबर का हिमालय लघु हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय के बारे में आपको पूछ लेता है कभी कभार कि उसमें कुछ छोटी छोटी चोटियां हैं, उन चोटियों के राज्यों के नाम पूछता है। लघु हिमालय, लघु हिमालय के बारे में क्या पूछता है आर्मी में क्वेश्चन? आर्मी में तो सीधे सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सरल होते हैं क्वेश्चन। वो लघु हिमालय से पूछ लेता है कि लघु हिमालय में जैसे चोटियां हैं रानीखेत, रानीखेत, कसौली, नैनीताल, डलहौजी, इस तरीके से चोटियां होती हैं। इन चोटियों के बारे में पूछता है कि चोटी कौन से राज्य में, कौन से राज्य में, जैसे पूछता है तो रानीखेत कौन से राज्य में है, रानीखेत कौन से राज्य में, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है जी। कसौली, कसौली कौन से राज्य में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नैनीताल के बारे में पूछता है तो बता देना नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद डलहौजी के बारे में पूछता है तो डलहौजी बता देना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा तो बता देगा आप उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, पूछता है पीछे वाले पेपर में आर्मी के में पूछा था कि कसौली चोटी कौन से राज्य में स्थित है, उत्तर था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रानीखेत उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड, पूछता है इनके बारे में क्वेश्चन। उसके बाद में और पूछ लेता है कि जैसे लघु हिमालय में कुछ घास के मैदान हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में घास के मैदानों को, जम्मू कश्मीर राज्य में घास के मैदानों को मृग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। कौन से राज्य में?
जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय मैदान को मरग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। कौन से राज्य में स्थित है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। ठीक है, उसके बाद भी आगे हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पैयार। क्या कहा जाता है घास के मैदानों को? पैयार कहा जाता है। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को पैयार, और जम्मू कश्मीर राज्य में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। इन्हीं चोटियों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो रानीखेत, कसौली, नैनीताल, डलहौजी, अल्मोड़ा, इनके राज्य के नाम याद कर लेना। लघु हिमालय से आर्मी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका जो चौथा हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय। चौथा जो हिमालय है आपका शिवालिक हिमालय। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, वो कौन सा क्वेश्चन है कि शिवालिक हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और शॉर्टकट में लिखा हुआ आता है कि शिवालिक हिमालय का विस्तार दून से लेकर द्वार तक है। दून का मतलब होता है देहरादून, और द्वार का मतलब है हरिद्वार। तो ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है कि शिवालिक हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक, तो बता देना देहरादून से हरिद्वार के बीच में शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय से ही भारत में बहुत अधिक नदियों का उद्गम होता है। पूछा जाता है कि भारत में नदियों का उद्गम अधिक कौन से हिमालय से होता है, तो आपका उत्तर होगा शिवालिक हिमालय से। भारत में अलग अलग नदियों का उद्गम माना जाता है। आपका जो ये हिमालय वाला टॉपिक है, ये चार भागों में हिमालय को बांट दिया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को चार भागों में बांटा, चार भाग हो गए, ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। चारों को विस्तार से अपने चर्चा की, और चारों की चर्चा करने के बाद में अपना जो अगला भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर का विशाल मैदान में अगला अपना उत्तर का विशाल मैदान अगला भौतिक प्रदेश है, जिसका अपन अलग से उत्तर का विशाल मैदान का वीडियो बनाएंगे। और इस पर्वतीय प्रदेश का जो टॉपिक तैयार किया है, इस टॉपिक को अधिक से अधिक छात्रों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सामग्री प्राप्त करें।